तो क्या DSA ही एक रास्ता है अच्छा करियर, अच्छी जॉब और अच्छी कंपनी में जाने का? क्या DSA नहीं तो कुछ भी नहीं? आज हम इन चीजों पर बात करेंगे कि क्या DSA के अलावा हम एक और रास्ता देख सकते हैं अच्छी कंपनी में जाने का। अपनी जॉब के बारे में बात करेंगे, मेरे दोस्तों के जॉब के बारे में बात करेंगे, एक स्पेशलिस्ट रूट के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि DSA क्या है, क्या नहीं है और DSA के अलावा हमारे पास और क्या ऑप्शंस है। देखो आज के टाइम पे तुम YouTube में कोई वीडियो देख लो, फैंग कैसे फोड़े, ये कैसे तोड़े, वो कैसे मरोड़े, हर वीडियो में एक ही कहानी आती है कि भैया DSA करना जरूरी है, ठीक है। और DSA में भी कैसे शुरू करें कि भैया पहले तो आप छोटी मोटी चीजें पढ़ो और फट से कूद जाओ, ट्री सीखना शुरू कर दो और ग्रीडी एल्गोरिथम करो और ये करो वो करो। इससे क्या परेशानी होती है? इससे परेशानी होती है कि बच्चे फिर मेरे पास आते और बोलते हैं कि भैया IT में लगता है मेरा करियर नहीं बनेगा भैया, DSA हमसे नहीं हो रहा है भैया, तो दिल बहुत दुखी होता है। ये ठीक है कि देयर इज अ ह्यूज बड़ा सा एक हाईवे है जिस पे ढेर सारे लोग गाड़ी चलाकर, DSA की कार चलाकर पहुंच रहे हैं अच्छी अच्छी जॉब में, पर इसका ये मतलब है ही नहीं कि IT करियर में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, अच्छा डेवलपमेंट जॉब में जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है। एक और रास्ता है, पतली सी अच्छी सी शांत सी एक गली है जिसमें प्यारे प्यारे पेड़ लगे हैं, खूब सारा छांव है, जहां आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ता, जहां आप धीरे धीरे हौले हौले आराम आराम से चल सकते हो और जहां आपको पहुंचना है वहां पहुंच सकते हो। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये मेरी खुद की कहानी भी है, क्योंकि मैं सिस्को में गया, माइक्रोसॉफ्ट में काम किया और मैंने दोनों जगह कभी भी DSA का इंटरव्यू दिया ही नहीं। मैं स्पेशलिस्ट राउट से गया, यही वाले रास्ते से, तो मैं आपको उस रास्ते के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला सवाल ये आता है कि इस बारे में मैंने पहले ही बात की, लेकिन हर बार जब हम बात करते हैं तो बहुत झगड़ालू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन हो जाते हैं, बहुत लोग गुस्सा हो जाते हैं, लोग ट्विटर पे, यूट्यूब पे कुछ कुछ वीडियो बनाने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि अरे तने लोगों को ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। तो पहले बड़ा क्लियर कर देते हैं, देखो अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो DSA कर सके हो और तुम्हें DSA अच्छा लगता है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि वो हाईवे छोड़ के इस रास्ते से चले जाओ, लेकिन फिर भी वीडियो सुन लो, एक रास्ते के बारे में जानने में क्या दिक्कत है। अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसके कॉलेज में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, बहुत प्यारे प्यारे प्रोडक्ट कंपनीज आती हैं, जैसे कि अडोबी आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है, गूगल आती है, फेसबुक आती है, तो आपको तो फिर DSA ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा मौका है, 2-3 साल आपको पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है और अगर एक बार लक लग गया तो फिर निकल जाओगे वहां से, तब तो उसमें ही जाना चाहिए। लेकिन एक बात और आज जान लेते हैं कि इंडिया में 1% या 2% से ज्यादा कोडर्स, ज्यादा इंजीनियर्स जो हैं, वो न DSA कर पाते हैं, न वो टॉप के कॉलेजेस में होते हैं। हम जब भी कोडिंग की बात करते हैं हमेशा उसको IIT, NIT, BITS इन लेंसेस से देखते हैं, हमेशा टॉप कोडर के लेंसेस से देखते हैं, बट इंडिया में सिर्फ उतने ही तो प्रोग्रामर नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे उन्हीं का हल्ला है, ट्विटर पे उन्हीं का रोला है, वो सब अलग बात है, पर बहुत सारे प्रोग्रामर्स ऐसे भी हैं या प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए और हम उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि कई बार DSA से शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। आप पूछोगे क्यों भैया, क्यों DSA से शुरू करना मुश्किल होता है? क्योंकि यार DSA टफ है, ड्राई है। अब इस बात से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता है कि DSA टफ है, क्यों? अभी आपने एक प्रोग्रामिंग नहीं समझा, आपने लैंग्वेज नहीं सीखा, आपने ढेर सारा डेवलपमेंट नहीं किया, आप क्या हुए, आप दौड़ते और बोले कि मुझे फैंग में जॉब चाहिए 4 महीने के अंदर, किसी ने बोला DSA कर लो, आप DSA में गए, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, अरे भाई ये होता क्या है, ये लिंक लिस्ट क्या होता है, ये बाइनरी ट्री क्या होती है, ये ट्री ट्रैवर्सल क्या होता है, समझ में ही नहीं आ रहा, ये सब वर्ड सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो लग रहा है कि हाँ वीडियो देख के तो हो जाएगा, ये वाले तो भैया अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर जब बनाने जाते हैं तो चमकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि DSA में रिपीटेशन नहीं हो पाता, DSA में आपको बेसिक्स नहीं बनते, तो पहले आपको ढेर सारा टाइम बेसिक्स बनाने पे बिताना चाहिए। यही बात हमने कई बार की है कि जब तक आपको इंग्लिश में ABCD नहीं आएगा, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है ये नहीं आएगा, सेंटेंस कैसे बनाए नहीं आएगा, टेंस क्या होता है नहीं आएगा, 7 parts of speech क्या होता है वो नहीं आएगा, तो यार class 1, 2, 3, 4, 5, 6 जब सब पढ़ लेते हैं उसके बाद ना छोटा छोटा पोयम लिख पाते हैं या छोटा छोटा कॉम्प्रिहेंशन लिख पाते हैं, पहले दिन से तो नहीं लिख सकते। DSA से मुझे यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बच्चों के लिए ये बिगिनर फ्रेंडली नहीं है, तो क्या करें? अब भैया 6 साल तो पढ़ाई नहीं कर सकते DSA के लिए, एकदम नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कह रहा हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि एक ऑल्टरनेट रास्ता है, एक स्पेशलिस्ट का रास्ता है, DSA जो है जर्नलिस्ट का रास्ता है। इसके पहले हम लोगों को ये समझना होगा जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट क्या होता है, और उसके पहले एक और चीज समझते हैं कि आखिर DSA हायरिंग के लिए यूज किया क्यों जाता है। देखिए समस्या ये है कि अधिकतर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ाई जाती, बच्चों को प्रोग्रामिंग नहीं आती है, ठीक है। अब HR क्या है, सबको बैठा कर अपना टाइम पास तो करेगा नहीं कि इधर आओ तुम बताओ तुम्हें क्या आता है, क्या तुम्हें नेटवर्क आता है, क्या OS आता है, क्या DB आता है, इनमें समय बर्बाद करेगा नहीं, तो क्या करेगा? मैं सिर्फ HR की बात नहीं कर रहा हूँ,
हूँ, पूरी हायरिंग टीम की बात कर रहा हूँ। तो क्या करते हैं लोग बोलते हैं देखो सबसे आसान तरीका है लोगों को छांटने का, क्योंकि इंडिया में गेम क्या हो रहा है, छांटने का गेम हो रहा है, लेने का गेम तो हो नहीं रहा है। हर ओपनिंग पे इतने सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं और जो हायरिंग टीम है उसको सिर्फ हायर तो करना नहीं है पूरे दिन। मैं भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट में हायरिंग टीम में था यार, मुझे पूरा अपना काम करके दिन में दो चार इंटरव्यू लेने पड़ते थे। तो इट वॉज कॉस्ट, इट वॉज वर्क फॉर अस। तो क्या करते थे कि भाई ऐसा एक क्वेश्चन दो जिससे जिसको आता है वो इधर आ जाए, जिसको नहीं आता वो उधर छूट जाए, और अधिकतर लोग उधर छूट जाए। ये भी होना चाहिए कि फिल्टर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो DSA पिछले कुछ सालों में एक स्ट्रांग फिल्टर की तरह इमर्ज किया कि DSA अगर आता है तो इनको इधर ले आते हैं, अगर इनको इधर ले आएंगे DSA आता है तो बाकी जो चीजें वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो, एंड्रॉइड हो, इवन AI हो या कुछ भी सीख जाएगा बच्चा। सबको पता है कि कॉलेज में ज्यादा कुछ सीखा नहीं है, तो DSA को एज अ फिल्टर हमने इस्तेमाल कर लिया और इस तरह बच्चों को छांट लिया। यही होता है, इतने सारे बच्चे, इतने सारे मैंने खुद ट्रेन किए हैं माइक्रोसॉफ्ट में, इतने सारे बच्चे DSA से क्लियर करके माइक्रोसॉफ्ट में आते हैं और फिर हम उनको फ्रंट एंड की ट्रेनिंग महीनों की बूट कैंप लगाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर और फिर बैक एंड की ट्रेनिंग देते हैं, सिस्टम्स की ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चा काफी स्मार्ट होता है, काफी सारी मेहनत किया होता है। तो ये जो DSA का फिल्टर, इसको हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि एक सिग्नल, ये एक लंबी लकीर है जो उस बच्चे ने खींची है कि देखो अगर मैं इतने भारी भारी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, अगर मैं ट्री ट्रैवर्सल के इतने ट्रिकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता हूँ, तो मेरा एप्टीट्यूड बहुत हाई है प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाने को लेके। ये समझा आपने कि एक सिग्नल दे रहे हैं, एक लंबी लकीर खींच रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो क्या ये सिग्नल, क्या ये लंबी लकीर हम किसी और तरह से भी खींच सकते हैं? अब आज की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, फेसबुक हो, हर कंपनी में एक स्पेशलिस्ट राउट खुला है। ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। और छोटी छोटी कंपनी जो है, छोटी छोटी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो होती है, उनमें अब डायरेक्ट स्पेशलिस्ट हायर भी हो जाता है। और क्योंकि मैंने खुद हजारों बच्चों को पढ़ा के वेब डेवलपमेंट की जॉब लगाई है, बिना DSA पढ़ाए तो मैं समझता हूँ कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। तो अगर आप फ्रेशर माइक्रोसॉफ्ट में जाना चाहते हो, फ्रेशर गूगल में जाना चाहते हो, तो मैंने वीडियो शुरुआत में ही कहा था उसका एक ही तरीका है, वो है DSA। उसका एक ही तरीका है कि आपको कॉलेज से प्लेसमेंट लग जाए। लेकिन अगर आप फ्रेशर नहीं, कभी भी आराम से जाना चाहते हो, जैसे मैं गया था 5 साल बाद करियर में माइक्रोसॉफ्ट, तो एक और रास्ता है। इस रास्ते में क्या होता है कि आप स्पेशलिस्ट बनते हो, कुछ साल बिताते हो इंडस्ट्री में और उसके बाद इन कंपनी में चले जाते हो। एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, करियर का गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में जाऊं, मैं गूगल में जाऊं, मैं फेसबुक में जाऊं। करियर का गोल ये होना चाहिए कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूं, मैं अपने करियर की शुरुआत करूं, घर में थोड़े पैसे आए, मैं सीखता रहूं, बढ़ता रहूं, और ये सब दरवाजे अगर खुल जाए तो बढ़िया, नहीं खुले तो एक्सपीरियंस डेवलपर्स को बहुत सारा पैसा बहुत जगह पर मिलता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। मैं बस ये इसलिए बता रहा हूँ कि हाँ, ये भी एक रास्ता है FAANG में जाने का, ये ही रास्ता है, ये बेहतर रास्ता है। मैं दोनों चीजें नहीं कह रहा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप इसी रास्ते को मेडिटेट करते हुए 5 साल चलिए। आराम से अपना करियर शुरू कीजिए। अगर DSA नहीं होता है तो चुपचाप डेवलपमेंट कीजिए, अच्छे से बेसिक्स बनाइए, 6 महीने 8 महीने 10 महीने में ढेर सारा कोई भी एक चीज उठा के सीखिए, React सीखिए, Angular सीखिए, View सीखिए, Android सीखिए, iOS सीखिए, Backend सीखिए, जो भी आपको डेवलपमेंट करने में मजा आता है मन लगाकर सीखिए। और वहां पर भी आपको एक लंबी लकीर, एक सिग्नल बनाना होगा ताकि जो हायरिंग पार्टनर है वो आपको फिल्टर कर सके। अब जो हम बात करते हैं यहाँ पर एक लंबी लकीर खींचने की, यहाँ पर अपने हायरिंग मैनेजर को एक सिग्नल देने की, तो क्या बोलते हैं? आपने प्रोग्रामिंग थोड़ी सीख ली, आपने थोड़ा सा डेवलपमेंट भी सीख लिया, लेकिन अभी तक लोगों को आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो कॉन्फिडेंस लाने का तरीका क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, अच्छे अच्छे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स बनाओ, उनको गिटहब पे डालो, उनको रेज्यूमे पे डालो, उनको होस्ट करो, उनके टेस्ट यूजर्स बनाओ और फिर लोगों को दो कि देखो मैंने रिएक्ट सीखा है, ये मेरे वर्क का प्रूफ है। तो इसी को हम प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं कि हमारा जो काम है हम दिखा सके। अगर आप इस तरीके से घुसना चाहते हो तो भी इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब्स हैं जहां पर स्पेशलिस्ट की डिमांड। स्पेशलिस्ट क्या होता है कि मैंने देखो 3 महीने बेसिक सीखा, प्रोग्रामिंग सीखी, सब कुछ सीखा, जावास्क्रिप्ट सीखा, उसके बाद मैं एक रिएक्ट में स्पेशलिस्ट बना, उसके बाद मैं एंगुलर में स्पेशलिस्ट बना, उसके बाद मैं एंड्रॉइड में स्पेशलिस्ट बना, मैं iOS में स्पेशलिस्ट बना। तो स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे डॉक्टर के बारे में आप समझते हो कि भाई अगर मेरी टांग टूटेगी तो मैं उसके पास जाऊंगा, पर अगर मेरे दिल में दर्द होगा तो मैं उसके पास जाऊंगा, वो वाला दर्द नहीं, वो वाला दर्द, तो उसके पास जाऊंगा। तो इस तरह से स्पेशलिस्ट होते हैं हर फील्ड में। उसी तरह आज के समय में आप प्रोग्रामिंग में भी स्पेशलिस्ट बन सकते हो। उससे क्या होता है, जब 3-4 साल आप इस तरह के स्पेशलिस्ट हो जाते हो, आपको काफी नॉलेज हो जाती है एक फील्ड की, उसके बाद आप इन कंपनीज में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में एक पैरेलल ट्रैक के थ्रू जाते हो जहां पे DSA का बहुत हार्ड इंटरव्यू नहीं होता। बहुत जगह तो इंटरव्यू होता ही नहीं DSA का, और जहां होता भी है तो एक राउंड होता है बड़ा सिंपल सा कि यार एरेस
स्ट्रिंग्स वगैरह वगैरह के छोटे मोटे क्यू वगैरह के क्वेश्चंस बना दो, एसिंग क्यू के क्वेश्चंस बना दो, बट जो आपका पहले 5 राउंड डीएसए होना था और पूरी दुनिया के बच्चों के सामने डीएसए होना था, वर्सेस अगर आप स्पेशलिस्ट हो तो आपका जो स्पेशलाइजेशन है उस पे ज्यादा जोर दिया जाता है। अगर तुम्हें इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं करियर वाले, जहां आपका मन शांत हो, तो प्लीज कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इतना तो तुम कर ही सकते हो ये बताने के लिए कि भैया आप जो कर रहे हो उससे मन को शांति मिल रही है। तो मैं क्या कह रहा था कि एक हाईवे है डीएसए का जिससे करियर अच्छा बनता है, इसको तो कोई कंटेस्ट कर ही नहीं रहा है कि डीएसए से करियर अच्छा बन सकता है, पर दिक्कत यह है कि इस हाईवे पे हर कोई अपना कार अपनी गाड़ी लेकर चला नहीं सकता। और मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया में आज के समय पे जितने प्रोग्रामर्स है ना, हमारे पास उससे कम से कम 100 times more यानी 100x more प्रोग्रामर्स होने चाहिए। 100x more प्रोग्रामर्स होने चाहिए। तो अगर आज के समय पे हमारे पास 5000 अच्छे प्रोग्रामर्स हैं, तो हमारे पास 500000 अच्छे प्रोग्रामर्स होने की कैपेसिटी है, वो नहीं हो पा रही है क्योंकि हम डीएसए को सबसे आगे कर देते हैं। एक और सवाल हर बार आता है जब मैं ये बात करता हूं, तो क्या डीएसए सीखना ही नहीं चाहिए? देखो, सीखने में क्या बुराई है, कुछ भी सीखो अच्छा ही होता है। डीएसए अच्छी चीज है, जानना समझना अच्छी चीज है, बट ये बात भी समझ लेना कि अपने करियर में तुम डीएसए बहुत कम यूज करो। अधिकतर कंपनीज में डीएसए का जो भी एल्गोरिदम होता है, जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो प्री बिल्ट होते हैं, वो पहले से लाइब्रेरी में होते हैं। तो अपनी लाइफ में तुम बहुत ही कम डीएसए यूज करोगे, और जब यूज करोगे तब तुम रेफर कर सकते हो ऑनलाइन, उसके बाद तुम किसी स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हो। तो बड़ी कंपनीज में डीएसए में भी स्पेशलिस्ट होते हैं जिनसे आपको बात करनी होती है, जब अगर आप ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करो तो सीखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, जानो सब कुछ। करना आपको तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही है, डेवलपमेंट ही है, चाहे वो वेब हो, iOS हो, इसी तरफ दुनिया मूव कर रही है। अब ये सुनकर जाकर कहीं किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, तने भैया ने कहा डीएसए जो है वो खराब है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, करना तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही है। क्या फर्क पड़ता है यार, ये लड़ाई में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम बस इतना है कि करियर शुरू हो जाए। अगर तुम्हारा करियर डीएसए प्लस कैंपस प्लेसमेंट से शुरू होता है, मुबारक, प्लीज जाओ और शुरू करो। मैक्सिमम लोगों को मैं जानता हूँ कि 100 में से सिर्फ 2 बच्चे डीएसए सही से कर पाते हैं। मैं ये 98 बच्चों से बात करना चाहता हूँ जो नहीं कर पा रहे हैं डीएसए, क्योंकि बहुत टफ लग रहा है। एक क्वेश्चन लिया, जब वीडियो में देखा तो ठीक लगा, जब खुद से सॉल्व करने बैठे तो समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि है यार ट्रिकी, इतना ज्यादा कंप्यूटर साइंस हैवी है, इतने ट्रिक हैवी क्वेश्चंस होते हैं, तो नहीं हो पाता है। तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो ये भी एक अच्छा रास्ता है, इस रास्ते पे चल लो। और उसके बाद क्या होगा, 10 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप डीएसए उठाओगे तो आपको वो भी समझ में आने लगेगा, वो भी हो जाता है। मैं भी जब अपना प्रोग्रामिंग का जर्नी शुरू किया था तो डीएसए नहीं करता था, खूब सारी प्रोग्रामिंग की, 2 साल तो मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मैंने 11th में शुरू किया था, तो 2 साल तो मुझे पता ही नहीं था कि प्रोग्रामिंग के बाद एक डीएसए भी होता है। कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर, पता ही नहीं था कि डीएसए भी होता है, आराम से प्रोग्रामिंग करा 3 साल 4 साल, फिर जब डीएसए देखना शुरू किया तो लगा कि हाँ, मतलब इतना टफ भी नहीं। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, और इसमें ऐसे ऐसे एल्गोरिदम्स में ट्रैवर्सल होते हैं, और इसमें ट्रिक आता है तो ट्रैवर्सल का ट्रिक्स हो जाते हैं। तो लगने लगता है समय के साथ, वो क्वेश्चंस लगने लगते हैं। और इसीलिए जब बाकी भैया दीदी वीडियो में आकर बोलते हैं कि डीएसए आसान है उससे शुरू कर लो, वो इसलिए बोल पाते क्योंकि उन्होंने बहुत सारा समय लगा दिया है, तो उनके लिए बहुत ऑब्वियस हो गया। जैसे मेरे लिए भी, मैं कहना बहुत आसान है कि डीएसए बहुत आसान है, कर लो यार, एक ट्री ट्रैवर्सल में क्या ही लगता है, लेकिन फर्स्ट टाइम प्रोग्रामर को मुश्किल होती है। और अगर तुम्हें ये मुश्किल हो रही है तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं बार बार कि डीएसए ही एक रास्ता नहीं है, डेवलपमेंट में एक बहुत अच्छा रास्ता जाता है, उसी जगह पहुंचता है, बहुत सुंदर वादियां हैं, बहुत प्यारे पेड़ हैं, बहुत सारा फल फूल सब मिलेगा रास्ते में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डीएसए नहीं होते हैं, डेवलपमेंट से शुरू करो, ऐसे भी उसका डिमांड, स्पेशलाइजेशन का डिमांड बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। मेरे पास खुद रिएक्ट डेवलपर्स के, माइक्रोसॉफ्ट में खुद रिएक्ट डेवलपर्स के, गूगल में यूएक्स इंजीनियर्स के डिमांड बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको एक लैटरल एंट्री आराम से मिल जाएगी, करियर को कोई हानि नहीं होगी। सबसे अच्छी बात ये होगी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आईटी में आपका करियर शुरू हो जाएगा, और जो एक मेरा सपना है कि इंडिया में 100 times more सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाए, उस सपने को आप साकार कर पाओ। एक क्वेश्चन और ये आता है कि भैया आप जो कह रहे हैं, अगर मैं टॉप कॉलेज से नहीं हूँ, अगर मेरे यहाँ प्लेसमेंट के लिए अच्छी कंपनी नहीं आती है, तो क्या फिर मुझे डीएसए करना चाहिए या डेवलपमेंट करना चाहिए? देखो, एब्सोल्यूट आंसर देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हायर प्रोबेबिलिटी, हायर पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस है अगर आप डेवलपमेंट करो, अगर आपके पास टॉप कंपनीज नहीं आती है तो। क्यों, मैं बताता हूँ। अगर आपके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सिस्को, ये अडोबी वडोबी नहीं आई, तो क्या होगा? अब आपको बाहर अप्लाई करना पड़ेगा, या तो आप टीसीएस, इंफोसिस जाओगे, विच इज ग्रेट अगर
अगर वहां से करियर शुरू करना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको मने नहीं मुझे तो डेवलपमेंट में ही प्रोडक्ट कंपनी में ही अपना करियर शुरू करना है, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचे? आप बाहर अप्लाई करोगे। अब जब आप बाहर अप्लाई करोगे तो आपका रिज्यूमे कौन सेलेक्ट करेगा? छोटी छोटी कंपनी, छोटे छोटे स्टार्टअप, छोटी स्टार्टअप, बड़े स्टार्टअप भी नहीं, सीरीज ए प्लस वाले स्टार्टअप भी नहीं, उससे छोटे स्टार्टअप सेलेक्ट करेंगे। पर उनको क्या चाहिए? उनको डीएसए वाला बच्चा चाहिए कि उनको डेवलपमेंट वाला बच्चा चाहिए? उनको वो बच्चा चाहिए जो आके 3 महीना मेरा स्टैक सीखे, मेरा रिएक्ट सीखे, मेरा रिएक्ट नेटिव सीखे, मेरा जावास्क्रिप्ट सीखे, या वो बच्चा जो अगले 5 दिन के अंदर मेरा एक फीचर बनाना शुरू कर दे? आपको क्या लगता है, छोटे स्टार्टअप्स के पास कम होती है फंडिंग, कम होता है रनवे, तो वो क्या किसी को बुला के 3 महीने ट्रेन करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। इसलिए अगर आपको अपना करियर अच्छा बनाना है और आप एक नॉट सो गुड कॉलेज में है, और यही सच्चाई है यार, हर किसी के पास, अधिकतर बच्चों के पास नॉट सो गुड कॉलेज ही है, तो फिर डेवलपमेंट करना, स्पेशलिस्ट बनना, प्रोजेक्ट बनाना आपके लिए एक बेटर सिग्नल हो सकता है डीएसए से। और फिर से मैं वही बात कहूंगा कि मैं ये तो कभी कह ही नहीं रहा कि डीएसए मत सीखो, सीखो आराम से, एक बार कंपनी में घुस जाओ, 10 महीने 1 साल जॉब कर लो, उसके बाद डीएसए भी सीख लेना, उसके बाद जहां जाना होगा चले जाना, लेकिन फर्स्ट जॉब तो लग जाएगी, फर्स्ट एक्सपीरियंस तो आपको डेवलपमेंट का हो जाएगा, और स्पेशलिस्ट का जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूं उसमें आप थोड़ी सी जर्नी तो कवर कर लोगे। एक क्वेश्चन और आता है कि भैया अगर डीएसए नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन पाएंगे? देखो, प्रोग्रामर तो अच्छे तुम ऐसे भी हो, और एक अच्छे प्रोग्रामिंग सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जब उसको जो जरूरत होता है तब वो सीख लेता है। सब कुछ पढ़ा लिखा प्रोग्रामर इज अ मिथ, हर कोई कुछ ना कुछ नया सीखता है। जैसे डीएसए के बारे में बात करते हैं, डीएसए का यूज जब आता है, ट्री का यूज जब आता है, बाइनरी सर्च का यूज जब आता है, सॉर्टिंग का जब यूज आता है, या लिंक्ड लिस्ट का जब यूज आता है, तो आप क्या करते हो? आप देखते हो कि ये क्या है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, और फिर आप एक स्पेशलिस्ट से बात करते हो। किसी भी बड़े छोटी कंपनी में आप यूं ही ऐसे ही एक रात में डीएसए नहीं लगाते हो, वहां पर बहुत सारा टाइम, बहुत सारा दिमाग और बहुत सारा स्पेशलाइजेशन लगता है। तो इसके लिए परेशान होने की भी जरूरत नहीं है कि यार हम अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन पाएंगे, मेरा ग्रोथ नहीं हो पाएगा, टाइम के साथ वो भी हो जाता है। देखो, ऐसे समझदारी भरे वीडियोस और आएंगे, क्योंकि मैंने तो ठान लिया कि ढंग से सिखाना है प्रोग्रामिंग। तो अगर ढंग से सीखना है आपको और समझना है, तो आपको क्या करना होगा? लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों से सच में शेयर करो यार, ताकि सबका टेंशन कम हो कि ऐसे सीखना चाहिए, हम कैसे सीख रहे हैं।